टेक्निकल प्रोत को कर दे सब्सक्राइब और साथ में दबा दे इस बेल को और ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दे ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे टेक्निकल प्रोत चैनल पर और मैं हूं आपका दोस्त नरेश लव प्रोत। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्नैक की टकाटक ऐप्स पर हम फोटो से वीडियो कैसे बना सकते। तो दोस्तों, बहुत ही आसान है, मैं आपको स्नैक की टकाटक ऐप्स पर फ़ोटो से वीडियो बना के बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर अभी पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ में बेल वाले आइकॉन को भी दबा देना ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, एक छोटे से इंट्रो के साथ करते हम अपने वीडियो की शुरुआत। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारे मोबाइल के होम स्क्रीन पर और आपको सबसे पहला आप जो अपना स्नैक की टकाटक ऐप्स है उसको ओपन कर लेना है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं स्नैक की टकाटक ऐप्स को ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो स्नैक की टकाटक ऐप्स को मैंने ओपन कर लिया है। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार इस ऐप्स को यूज़ कर रहे हो तो आप अपना आईडी बना ले और उसके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक मैं ऊपर आई बटन पे दे दिया हूँ जहाँ से जाकर आप आईडी क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो आप जैसे ही स्नैक की टकाटक ऐप्स को ओपन करोगे तो यहाँ पर एक प्लस का आइकॉन आपको दिख रहा है। तो दोस्तों, इस प्लस के आइकॉन पर आपको क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक कर लेता हूँ। तो दोस्तों, हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है, आप देख सकते हो एल्बम का ऑप्शन दिखाई दे रहा। तो दोस्तों, इस एल्बम वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं एल्बम पर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों, एल्बम पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमें दो ऑप्शन मिल जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है वीडियोज़ का और सेकंड है इमेज का। तो दोस्तों, यहाँ पर हम फोटो के साथ वीडियो बनाना चाहते हैं तो दोस्तों, यहाँ पर इमेज पर हमें क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ से हमें कोई भी हमारा जो फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर मैं अपना इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको कोई भी चार इमेज सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो हमें अलग अलग इफेक्ट यहाँ पर मिल जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो राइट लेफ्ट राइट का हमें मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर अप डाउन का मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो जूम इन जूम आउट का। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें रोटेट वाला लगा लेना है। तो दोस्तों, रोटेट लगा लेने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों, हमारा जो वीडियो है वो क्रिएटिंग पे है। तो दोस्तों, हमारा जो वीडियो है वो क्रिएट हो रहा है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो वीडियो प्रोसेसिंग ले रहा है। उसके बाद दोस्तों, प्रोसेसिंग लेने के बाद आगे क्या करना है, हमें कैसे म्यूज़िक लगाना है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो म्यूज़िक का ऑप्शन दिया हुआ है। इस म्यूज़िक वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ से म्यूज़िक लाइब्रेरी ओपन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, यहाँ से आप कोई भी एक म्यूज़िक सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो स्टिकर का ऑप्शन दिया हुआ है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ से कोई भी स्टिकर आप सेलेक्ट कर सकते हो और अपने हिसाब से यहाँ पर सेट कर सकते हो छोटा बड़ा करके। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको स्टिकर लगा लेना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ है सबटाइटल का ऑप्शन। तो दोस्तों, यहाँ पर सबटाइटल पर आप कुछ भी अपना नाम लिख सकते हो। उसके बाद नीचे कलर का ऑप्शन दिया हुआ है तो आपको कलर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद डन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो इफेक्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। तो दोस्तों, इस इफेक्ट वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों, यहाँ पर इफेक्ट वाले ऑप्शन पर आप देख सकते हो हमें बहुत सारे यहाँ पर इफेक्ट मिल जाते हैं। तो दोस्तों, इस इफेक्ट को आपको यूज़ करना है तो उसको आपको दबा के रखना है। तो दोस्तों, आपको थोड़ी देर दबा के रखना है, उसके बाद यहाँ पर छोड़ लेना है। तो दोस्तों, उसके बाद आपको अलग अलग इफेक्ट यहाँ पर मिल जाएंगे। तो दोस्तों, जितना आपको यूज़ करना है उसको आपको दबा के रखना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको डन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो स्पीड का ऑप्शन दिया हुआ है। इस स्पीड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर स्लोमो रिपीट दो ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों, इस स्लोमो करना है तो आपको स्लोमो पर थोड़ी देर क्लिक करके रखना है। अगर रिपीट का करना है तो आपको थोड़ी देर इस पर क्लिक करके रखना। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर डन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों, हमारा जो वीडियो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने म्यूजिक सेलेक्ट नहीं किया है तो दोस्तों, यहाँ पर मैं म्यूजिक लगा लेता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर म्यूजिक सेलेक्ट कर लेने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको वो डन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको कंप्लीट कर लेना है। तो दोस्तों, आप कंप्लीट पे जैसे क्लिक करोगे तो आपका जो वीडियो है वो यहाँ पर प्रोसेसिंग होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको अपने वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिखना रहता है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आप अपने फ्रेंड को भी
टैग कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप अपना हैशटैग लगा सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कोई भी हैशटैग सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों नीचे पोस्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पोस्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लेना। तो दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।